जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। संभावित खतरे और आतंकी हमले को देखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है और यात्रियों को वापस जाने की हिदायत दे दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बढ़ती तादाद को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। सभी ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकी घटनाओं के डर ने ग्रहण लगा दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा के रोड पर सर्च ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर राइफल मिली। इसके बाद यात्रा रोकने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन के गृह विभाग की ओर से जारी सुरक्षा एडवाइजरी में ये कहा भी गया है, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमलों के इनपुट मिले हैं, सुरक्षा को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अमरनाथ यात्रियों को सलाह भी दे दी गई, यात्रा को तुरंत खत्म किया जाए, जितनी जल्दी हो सके घाटी को छोड़ दे। राज्य में पर्यटकों के लिए अचानक यात्रा खत्म किए जाने संबंधी एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर नाराजगी और चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सीरियसली आपने सोचा है कि एक सरकारी आदेश से पर्यटक जल्दी से घाटी छोड़कर भागने लगेंगे? कितने पर्यटक इस आदेश को देखकर भागने लगेंगे? लोगों के भागने से एयरपोर्ट और हाईवे पर जाम लग जाएगा। इससे पहले भी अपने एक और ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने कहा था, अमरनाथ यात्रा और पर्यटकों के बीच ये अप्रत्याशित आदेश दर्शाता है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका है। हालांकि इससे घाटी में मौजूद डर को कम नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के रूट पर जांच के दौरान स्नाइपर राइफल बरामद की है। हालांकि अब ये यात्रा फिर से कब शुरू की जाएगी इसे लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की बातों से यही लगता है कि अगले आदेश तक अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है। टीम खबरें अभी तक।